मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समलैंगिक अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पेन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोस जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहेन द्वारा अभिनेत्री थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्ष द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधाई द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर दो को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन 1990 के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन 2007 तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रोफ्रांट कास्ट्रो कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर 1960 के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस को अठहत्तर को डायन फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे युग यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग एक कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति सम्पर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल्क की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस से लेकर सन उन्नीस में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस सौ सतहत्तर में जिला फाइव के लिए सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल्क के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायरफाइटर फार में मिलता है और व्हाइट जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने के से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदिश्य के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदिश्य के खिलाफ एक मात्र वोट बना लेते हैं मिल के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रयोजित किया गया था वह प्रस्ताव छः कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रीय राष्ट्रव्यापी रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निरास्त करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनीता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था 7 नवंबर सन 1978 को प्रस्ताव 6 के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मोस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 27 नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन के साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर व्हाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मोस्क मोस्कानों के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिट्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदानेबाया और स्कोट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदारेबाया एनी क्रोनबर्ग के रूप में एलिसन पिल ने में और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर गार्बर uh, ने किरदानेबाया और राज्य सीनी टर्जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदा निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदा निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार डैनी, डैनी निकोलेटा के, में, जेव, जेव के, के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ आर्ट्स के के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपी ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी बिल कल्ब, कल्ब क्रॉस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने किरदार आया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया और कास्ट्रोकलोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अलकाइंसाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक फ्रेक ऑफ रोबिन्सन, स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क दो हजार आठ की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समलैंगिक अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेत्री थी, थी सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है, है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर 2008 को सैन फ्रांसको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस की जीवनी द मेयर ऑफ कास्ट्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन 1990 के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया और लेकिन 2007 तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो का में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलिंगिंग बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले किया फुटेज से होती है जिसके बाद 27 नवंबर सन उन्नीस को डाय एन फैंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने नौ दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कबीआसी आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक के ग्रुप में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में का कार्य करता, करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति सम्पर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल्क की मुलाकात और लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीला भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से प्रति संपर्द सम्पर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस से लेकर सन उन्नीस में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन उन्नीस सौ छिहत्तर में कैले, कैलिफोर्निया विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस सौ सतहत्तर में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुलेआम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डैन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फाइटर फार में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी है और इसका मिल के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह वाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी सम्मत बनाने थे और मिल्क को वाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और वाइट हाउस वाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने के से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदिश्य के वाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण वाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदिश्य के खिलाफ एक मात्र वोट बना लेते हैं मिल के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रयोजित किया गया था वह प्रस्ताव छः कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया। जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निरास्त करने के लिए पड़ा। के लिए फ्लोरिडा डेड काउंटी में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मोस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 27 नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन के साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर व्हाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मोस्क मोस्कानों के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोम्स के रूप में एल मिल हिर्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया और स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदान्य एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदारेबाया और मेयर जॉन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बार्गर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सीनी टर्जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविज के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन डे निकोलेटा के रूप में, में। लुका ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ आर्ट्स के जेव, जेव के, के, जाए के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपी ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसे मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी कल्ब, कल्ब बिल क्रॉस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने किरदार आया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार निभा टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डे फ्रेंको ने किरदार निभाया और कास्ट्रोकलोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अलकांसाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक फ्रेक ऑफ रोबिन्सन, स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज़ दो 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समलैंगिक अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डेन वाइट्स एक शहर परिवेक्ष के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनी थी, थी सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर 2008 को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्ट्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन दो हजार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो का में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आर्ट ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा उसकर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले किया फुटेज से होती है जिसके बाद 27 नवंबर सन उन्नीस को डाय एन फैंट की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे युक यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्ट्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आशिक आयरिस कैथोलिक पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायिक के रूप में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जॉन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति समर्थन से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से संपर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर सन उन्नीस सौ पिछहत्तर में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में से सन उन्नीस सौ छिहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायरफाइटर में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदेश के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदेश के खिलाफ एक एकमात्र वोट बना लेता है मिल के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंट्री पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रयोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामों में सम के के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यावर पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का कमाना था कि व्हाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मौस्का, के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जुलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस्स ने किरदारे बनाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार बया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदाने बया और स्कोट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदाने एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदाने बया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बा गार्बर ने किरदाने बया और राज्य सिनेटर जोन बिग्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार बाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ग्रे ने किरदार निभाया जेफ जे क्रूंटस आर्ट्स के गर के, के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हान पीने के ये ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसे मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन जा, रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी बिल बिलक्रोस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेस ने किरदाराया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया और कास्ट्रोकलोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी हॉल इंजीनियर के रूप में रोमन

कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोस ब्रिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मोस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेत्री थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है, हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस विधायक द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार आठ को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट 20 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की। फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन दो हज़ार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रोफ्रांट कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासीवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस तो सौ अठहत्तर को डायन फैंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ तो सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रों के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशिक आयरिश कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अतंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति संपर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द संपर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता हैं सन 1973 से लेकर सन 1975 में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन 1976 में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन 1977 से में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फाइटर फायर में मिलता है और व्हाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदिश्य के खिलाफ एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छह को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़िवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छः कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के, के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनीता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छः के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी ब, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मोस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन के साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्य लेकर गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मॉस्क मॉस्कानों के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदार निभाया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदार निभाया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सिनी टर जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कोट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ जे आर्ट्स के Jeff, Jeff के, गले ने के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीन ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसे मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया जा, जाचरी कल्बर्टरसन कल, कल बिल बिलक्रोस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने मार्ट टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ने किरदार निभाफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अल्काइनसाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आए और भाषण लेखक फ्रेक ऑफ रॉबिन्सन स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समलैंगिक अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गजवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहिन द्वारा अभिनी थी, थी सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है, है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार आठ को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट 20 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस की जीवनी द मेयर ऑफ कास्ट्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन 2007 तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं के विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो का में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आर्ट ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद 27 नवंबर सन उन्नीस को डाय एन फैंट की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्ट्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आशिक एरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिलक ने एक व्यवसायिक के रूप में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जॉन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिलक के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिलक की राजनीति की प्रति समर्थन से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द सम्पर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता हैं सन 1973 से लेकर सन 1975 में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन 1976 में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन 1977 से में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फाइटर फार फार में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने के से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव से शहरव्यापी अधिकार के के व्हाइट समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वह अधिकार आदिश्य के खिलाफ एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छह को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़िवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छः कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्र व्या, राष्ट्रव्यापी रूढ़िवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनीता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छः के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मोस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन सा उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन के साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके गारे ले की गोली मार दी और फिर जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मॉस्क मॉस्कानों के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिर्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया और स्कोट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदार निभाया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदार निभाया और मेयर जॉन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सीनी जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कोट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ जे आर्ट्स के के रूप में निर्दान निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीन ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जा, जाचरी कल्बर्टरसन कल, कल बिल क्रॉस के रूप में किरदार निभा नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क ने किरदार और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार कास्ट्रो क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अल्काइनसाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक फ्रेक ऑफ रॉबिन्सन स्टीफन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो संगरैंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अभिनी थी, थी सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ऑब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस विधायक द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर 2008 को सैन फ्रांसको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन 1990 के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया और लेकिन 2007 तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो का में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आर्ट ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सबश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा उसकर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद 27 नवंबर सन उन्नीस को डाय एन फेनिस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशी आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति संपर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से संपर्ण, संपर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस से लेकर सन उन्नीस में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में से सन में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता मिल्क के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायर फायरफाइटर में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदिश्य के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वह अधिकार आदेश के खिलाफ एक एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के, के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंट्री में अनीता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश वाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है और बाद में उसका मन मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 27 नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का कमाना था कि व्हाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मोस्कानों मौस्का, के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिर्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदाराया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदार निभाया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बार्गर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सीनी टर्जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेफ क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ जे जेफ्रूंटस आर्ट्स के गल के रूप में निर्धारण निभाते हुए नजर आए गोर्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया बिल क्रॉस के रूप में किरदार नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेस ने किरदार आया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया और कास्ट्रोकलोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन साइड कि में किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक ऑफ रॉबिन्सन स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समिंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मोस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेत्री थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है, हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस 20 अक्टूबर दो हज़ार आठ को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया अट्ठा छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट 20 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन दो हज़ार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वान सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर 1960 के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस तो सौ अठहत्तर को डा एन फैंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने नौ दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ तो सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे युक यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशी आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अतंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति संपर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक से, से संपर्दा, संपर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले, लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर सन उन्नीस सौ पिछहत्तर में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में से सन उन्नीस सौ छिहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस सौ सतहत्तर में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायर फाइटर फार में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट 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 के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने के से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदेश के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदेश के खिलाफ एक एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंट्री पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के, के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निरास्त करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंट्री में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छः के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश वाइट का एक पर्यावरण पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 27 नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का कमाना था कि वहाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मोस्कानों मौस्का, के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल्क के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिर्स ने किरदार किरदाराया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया और स्कोट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदाराया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदाराया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सिनी टर बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभायाटस आर्ट्स के के रूप में निर्धारण निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हान पीने के ये किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन जा, रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी बिल बिलक्रोस के रूप में किरदार निभा नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने किरदार आया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया और कास्ट्रोकलोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अलकाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक ऑफ रॉबिन्सन स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो जोरैंगिंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन मौस, की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनीति थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर दो को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया अट्ठा छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट 20 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन 1990 के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया और लेकिन दो तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं के विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रोफ्रांट कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्या और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर को डाय एन फैंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे युक यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशिक आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द सम्पर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर सन उन्नीस सौ पिछहत्तर में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में में से सन में कैले, कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस सौ सतहत्तर में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिसको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के, वाइट के वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायर फायरफाइटर में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट 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 के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है। और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदिश्य के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वह अधिकार आदेश के खिलाफ एक एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के, के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश वाइट का एक पर्यवेक्षक वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 27 नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि व्हाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मोस्का के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस ने किरदार किरदारे डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार बनाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदारेबाया और स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदार बनाया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदार बनाया और मेयर जॉन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बार्गर गार्बर ने किरदार किरदारेबाया और राज्य सिने टर जोन के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार भाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभायाटस आर्ट्स के गल के रूप में निर्धार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी कल्बर्टरसन बिल क्रॉस के रूप में किरदार निभाविस्टर के रूप में मार्क ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया और क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन अलकाइाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक स्कूल रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जोरैंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गश्वन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिन्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेत्री थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है, है, हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख 28 अक्टूबर 2008 को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया 26 नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में एक उनके जीवन की, उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट्स की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन दो हज़ार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अकेले किया फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर को डायन इन्फेंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशिक आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसाय के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अतंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द सम्पर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर सन उन्नीस सौ पिछहत्तर में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में में से सन कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस सौ सतहत्तर में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायरफाइटर में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता है जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट 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 के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदिश्य के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वह अधिकार आदेश के खिलाफ एक एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंट्री पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रयोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वह एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मौस्का, के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल्क के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदारेबाया और स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदाने एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदार निभाया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बार्गर गार्बर ने किरदार निभाया और राज्य सिनेटर जोन बिग्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेफ क्रोस डिक पविज के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ जे निभायाटस आर्ट्स के गर के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोर्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीन ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसेन मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन जा, रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी बिल क्रॉस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने किरदार टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी हॉल इंजीनियर के रूप में रोमन साइड ने किरदार निभाते हुए नजर आया और भाषण लेखक स्कूल की योजनाओं के टॉम सहित रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जोरैंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर ज... जॉर्ज मोस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेत्री थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है है। हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख 28 अक्टूबर 2008 को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया 26 नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया और लेकिन दो हज़ार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं के विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर 1960 के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंग बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस तो सौ अठहत्तर को डायन फैंट फेनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ तो सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रों के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशिक आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसाय के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति संपर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल की राजनीतिक सक्रियता से, से संपर्ण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता है सन उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर सन उन्नीस सौ पिछहत्तर में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो असफल राजनीतिक अभियानों में से सन में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन उन्नीस में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फायरफाइटर फार में मिलता है और वाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार आदेश के व्हाइट के समर्थन के बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वे अधिकार आदेश के खिलाफ एकमात्र वोट बना लेता है मिल के वास्तव में छः को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंट्री पर रूढ़ीवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रयोजित किया गया था वह प्रस्ताव छह कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़ीवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निराश करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनिता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छह के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी बा, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यावर पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और, और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मानना मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मॉस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन को साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को स्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्यालय की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि व्हाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मौस्का, के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित तो एक मोमबत्ती की रोशनी का जलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल्क के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस्स ने किरदारे बनाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार बया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार बया और स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदारे बया एनी क्रोन बर्ग के रूप में एलिसन पिल ने किरदारे बनाया और मेयर जोन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर बा बार्गर गार्बर ने किरदार किरदानेबाया और राज्य सिनेटर जोन बिग्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार बाया और जो सेव क्रोस डिक पबिज के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार जेफ निभायाटस आर्ट्स के गर के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हान पीने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसे मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन जा, रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया और जाचरी कल्बर्टरसन बिलक्रोस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेस ने किरदाराया और टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ब्रेन कैरीगन ने किरदार निभाया टेलीफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार निभाया क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी होल इंजीनियर के रूप में रोमन

कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मोस्कोन मौस, की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहिन द्वारा अब अभिनेती थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस विधायक द्वारा रिलीज तारीख 28 अक्टूबर दो हज़ार आठ को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया 26 नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट बीस मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस सौ चौरासी में डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस सौ बयासी की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया और लेकिन दो हज़ार सात तक विभिन्न कारणों के परियोजनाओं की विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग कास्ट्रो स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रोफ्रांट कास्ट्रो में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासीवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आठ ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा ऑस्कर और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी कथानक फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर 1960 के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले किया फुटेज से होती है जिसके बाद सत्ताईस नवंबर सन उन्नीस सौ अठहत्तर को डायन फैंट फैनस्टीन की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्त्रों के नाम से जाना जाता था काशी कभी आयशिक आयरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायी के रूप में अपनी भूम पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अतंत क्लेव जोन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति संपर्ण से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संप्रदा संप्रण है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता हैं सन 1973 से लेकर सन 1975 में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन 1976 में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन 1977 से में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फाइटर में मिलता है और व्हाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और व्हाइट हाउस व्हाइट व्हाइट के जिले में मनोरोग अस्पताल में खोलने से रोकने के लिए मिल्क की सहायता मांगता है और संभव मिल्क से शहरव्यापी अधिकार के 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 व्हाइट समर्थन बदले में जब मिल्क को परेशान युवकों से पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हाइट का समर्थन करने के लिए विफल रहता है तो व्हाइट ठगा हुआ महसूस करता है और अंत में वह अधिकार आदिश्य के खिलाफ एकमात्र वोट बना लेता है मिल्क के वास्तव में छह को हराने के प्रयास की जाती है और नवंबर सन उन्नीस में कैलिफोर्निया राज्य मतदान पर एक पहली थी जो ऑरेंज काउंटी पर रूढ़िवादी राज्य सीनेटर जॉन ब्रिक्स द्वारा प्रायोजित किया गया था वह प्रस्ताव छः कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में कारनामा में सम के, के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और एक राष्ट्रव्यापी व्या, रूढ़िवादी आंदोलन का भी हिस्सा गया जो स्थानीय अधिकार अध्यादेश के निरास्त करने के लिए फ्लोरिडा के डेड काउंटी में अनीता ब्रायन के उसके संगठन सेव आवर चिल्ड्रन के नेतृत्व में सफल अभियान से शुरू होता था सात नवंबर सन उन्नीस को प्रस्ताव छः के खिलाफ अध्यक्ष अथक परिश्रम करने के बाद मिल्क और उनके समर्थन इसकी ब, इसकी बार के बाद खुशी मनाते और हताश व्हाइट का एक पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि का पक्ष लेता है लेकिन उसे अधिक समर्थन नहीं मिलता और प्रस्ताव का समर्थन करने के तुरंत बाद बोर्ड से इस्तीफा दे देता है बाद में उसका मन मन बदल जाता है और वह बहस होने के लिए कहता है मिल्क द्वारा पैरवी की जाने के बाद मेयर मोस्कोन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और सत्ताईस नवंबर सन सा उन्नीस की सुबह व्हाइट मेटल डिटेक्टरों के ने बंदूक छिपाने के लिए बेसमेंट में खिड़की से सिटी हॉल के प्रवेश करता है और मॉस्कोन के साथ एक बैठक का अनुरोध करता है जो उसकी पूर्व सीट पर नियुक्त उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और क्रोधित होकर वाइट ने मॉस्कोन को उसके कार्य की गोली मार दी और फिर मिल्क को मिलने के गया जहां उसने उसे घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिल्म के पता चलता है कि मिल्क का मानना था कि वाइट एक गुप्त व्यक्ति हो सकता था जो अंतिम दृश्य शहर की सड़कों पर दूर दूध और मॉस्क मॉस्कानों के लिए हजारों लोगों द्वारा आयोजित एक मोमबत्ती की रोशनी का जुलूस था फिल्म के लिए दर्शाए गए वास्तविक लोगों की तस्वीरें उनके जीवन का संचिव सराहना की गई थी और ढालना में देखा गया हार्वे मिल के रूप में सोन पैन ने किरदार निभाया था और वो क्लेक जोन्स के रूप में एल मिल हिस्स ने किरदार निभाया डेन वाइट्स के रूप में जोस ब्रोलिन ने किरदार निभाया जेक लीरा के रूप में डिएगो लूना ने किरदार निभाया और स्कॉट स्मिथ के रूप में जेम्स फ्रेंको ने किरदार निभाया एनी क्रोन के रूप में एलिसन पिल ने किरदार निभाया और मेयर जॉन्स मोस्कोन के रूप में विक्टर गार्बर गार ने किरदार निभाया और राज्य सीनी टर्जोन बिक्स के रूप में डेनिस ओहारे ने किरदार निभाया और जो सेव क्रोस डिक पविच के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और रिक स्कॉट के रूप में स्टीफन स्पीलेना किरदार निभाया डैनी डैनी निकोलेटा के रूप में लुकास ग्रेबिल ने किरदार निभाया जेफ जे आर्ट्स के Jeff, Jeff के, के रूप में निर्दार निभाते हुए नजर आए गोल्डन लाव के रूप में कैलविन हानपीन ने किरदार निभाया और डेविड गुडस्टीन के रूप में हार्डवर्ड रोसे मैन ने किरदार निभाया और डेनिस पैरोन के रूप में टेड जॉन रॉबर्टसन ने किरदार निभाया और फिलिप बर्टन के रूप में रॉबर्ट चिमेटो ने किरदार निभाया बनाया जा, जाचरी कल्बर्टरसन कल, कल, बिल क्रॉस के रूप में किरदार निभाते नजर आए सिल्विस्टर के रूप में मार्क मार्टिनेज ने किरदार टेलीफोन ट्रे थ्री के रूप में ने किरदार निभाफोन ट्रे फाइव के रूप में डेव फ्रेंको ने किरदार क्लोन के रूप में डस्टिन लॉन्स ब्लैक ने किरदार निभाया और सिटी हॉल इंजीनियर के रूप में रोमन अल्काइनसाइड ने किरदार निभाते हुए नजर आए और भाषण लेखक फ्रेक ऑफ रॉबिंसन स्टीसन एलन बोर्ड के स्कूल शिक्षक की योजनाओं के टॉम अमियानो सहित फिल्म के कई सहयोगी खुद को चेत मिल्क मूवी के फैक्टोर रिव्यूज मिल्क 2008 की एक अमेरिकी जीवन पर आधारित फिल्म है जो समरिंग अधिकारी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हार्वे मिल्क के जीवन पर आधारित है जो सैन फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजन के सदस्य के रूप में कैलिफोर्निया में सार्वजनिक पद पर चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर व्यक्ति थे उस वन सेट द्वारा निर्देशित और डस्टिन लॉन्स ब्लैक द्वारा लिखित है फिल्म ने तीन सीन पैन ने मिल्क की भूमिका निभाई थी और जोसिन ने डैन वाइट्स एक शहर परिवेक्षक के रूप में विक्टर गौरबर ने सैन फ्रांसिस्को में मेयर जॉर्ज मॉस्कोन की भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक गशवन वसंत ने किया था लेखक डस्टिन लॉन्स ब्लैक थे और उत्पादित किया गया डैन जिम्स ब्रूस कोहिन द्वारा अभिनी थी, थी। सोन पैन और एमिल हर्स द्वारा जोस ब्रोलिन द्वारा और डिएगो लूना द्वारा और जेम्स फ्रैंको द्वारा छायांकन है हैरिस सेविड्स द्वारा संपादित किया गया एलियट ग्राहम द्वारा और संगीत दिए गए एनी अल्फमेन द्वारा उत्पादन कंपनी एक्शन फिल्म्स और ग्राउंड फेक प्रोडक्शन जिक्स ओब्लिक कोहन कंपनी द्वारा वितरित किया गया फोकस सुविधा द्वारा रिलीज तारीख अट्ठाईस अक्टूबर दो को सैन फ्रांसकिको में रिलीज किया गया छब्बीस नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का और देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी फिल्म का बजट 20 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग चौवन पॉइंट सिक्स डॉलर तक कमाई की फिल्म के जीवन को फिल्म में पेश करने का प्रयास उन्नीस में एक उनके जीवन की उनकी हत्या के बाद डॉक्यूमेंट्री के बाद किया गया था जिसका नाम द टाइम्स ऑफ हार्वे मिल्क था जो रेडी सिल्ट की उन्नीस की जीवनी द मेयर ऑफ कास्त्रो पर स्ट्रीम पर आधारित थी सन उन्नीस के दशक में शुरुआत में विभिन्न स्क्रिप्ट पर विचार किया गया लेकिन 2007 तक विभिन्न कारणों की परियोजनाओं के विफल रही और मिल्क का अधिकांश भाग स्ट्रिंग और सैन फ्रांसिस्को के अन्य संस्थानों पर फिल्माया गया था जिसमें मिल्क का पूर्व स्ट्रो कास्ट्रो का में कैमरा भी शामिल था फिल्म को समीक्षाओं की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया दुनिया भर में इसने काफ़ी अच्छी कमाई की इसने पैन और ब्रेलिन के प्रदर्शन वन सेट के निर्देशन के लिए ब्लैक का पटकथा के लिए फिल्म आलोचकों के और गिल्ड को कई प्रशंसा अर्जित की गई और इक्यासवी और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कार में से आर्ट ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल थे और यह दो पुरस्कार जीते पैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका दूसरा और ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा थी फिल्म की शुरुआत सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक के दौरान पुलिस द्वारा समलैंगिक बारे में छापा मारने के संरक्षणों पर गिरफ्तार करने के लिए उल्लेख अखिले की फुटेज से होती है जिसके बाद 27 नवंबर सन उन्नीस को डाय एन फैंट की प्रेस में घोषणा होती है और हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी जाती है पूरी फिल्म के में मिल्क हत्याओं ने दो दिन पहले अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने का दिखाई देता है इसके बाद फिल्म सन उन्नीस सौ सत्तर के न्यूयॉर्क शहर की एक याद दिलाती है जो मिल्क के चालीसवें जन्मदिन की पूर्व संध्या और अपने बहुत छोटे प्रेमी स्कॉट स्मिथ के साथ उनकी पहली मुलाकात थी अपने जीवन में असंतुष्ट और बदलाव की आवश्यकता के कारण मिल्क और स्मिथ ने अपने रिश्ते को व्यापक स्वीकृति पाने की उम्मीद में सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया वे यूरोका वैली के माध्यम से कास्त्रो कैमरा खोलने और जो एक कामकाजी वर्ग का पड़ोस है जो मुख्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया में है जिसे कास्ट्रो के नाम से जाना जाता था काशी कभी आशिक एरिस कैथोडिलिट पड़ोस में मिलने वाली विरोध के निराश होकर मिल्क ने एक व्यवसायिक के रूप में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग एक के कार्यकर्ता के रूप में किया और अत्यंत क्लेव जॉन्स के लिए एक ग्रुप बन गया प्रारंभ में स्मिथ मिल्क के अभियान के प्रबंधक के रूप में कार्य करता था लेकिन वह एक मिल्क की राजनीति की प्रति समर्थन से निराश हो जाता है और उसे छोड़ देता है और बाद में मिल की मुलाकात और जैक लीरा से होती है जो एक मधुर स्वभाव वाला लेकिन असंतुष्ट युवक है स्मिथ की तरह लीरा भी मिल्क की राजनीतिक सक्रियता से, से प्रति संपर्द है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अंत में उसने अपने खुद को फांसी लगा ली ले। लेकिन मिल्क की स्थानीय प्रतिष्ठा के साथ टकराव होता है जिससे वह बहुत सतर्क और जोखिम को बचाने वाला मानता हैं सन 1973 से लेकर सन 1975 में शहर पर पर्यवेक्षक बनने के लिए दो अल्प असफल राजनीतिक अभियानों में से सन 1976 में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के लिए तीसरा अभियान चलाने के बाद मिल्क ने आखिरकार सन 1977 से में जिला फाइव के लिए सैन और फ्रांसिको बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर में एक सीट जीत ली और जिनकी जीत ने उन्हें खुले तौर पर पहला स्थान दे दिया और कैलिफोर्निया में प्रमुख सार्वजनिक पद के लिए व्यक्ति को वोट दिया गया और एक पूरे अमेरिका के तीसरा खुले आम राजनेता होगा मिल के बाद साथी पर्यवेक्षण डेन वाइट्स के एक वियतनाम अनुभवी के पूर्व में पुलिस अधिकारी की फाइटर फायर, फायर में मिलता है और व्हाइट की जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है और इसका मिल्क के साथ एक कठिन रिश्ता था जो वह व्हाइट द्वारा प्रतिस्थापित पर, परियोजनाओं को विरोध करता जो उसके मन में मिल्क के प्रति राज नाराजगी बढ़ती है दूध और सफ़ेद एक जटिल कामकाजी संबंध बनाने थे और मिल्क को व्हाइट से पहले बच्चे के नामकरण के लिए आमंत्रित किया जाता था और वह इसमें शामिल होता था और